बच्ची को बोलती है कि सबके तीन बाप, टीचर तक को नहीं छोड़ा इसने, आपके भी तीन बाप। दिस इज डिसगस्टिंग। लोग कहेंगे कि क्या ये पढ़ाते हैं हम स्कूल में? माँ बेटी क्या गुल खिलाती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। स्कूल में दो बार आ गई, मुझे खबर तक नहीं। पर बेटा एक बात से मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। आप खुद सोचो, चाचू को फोन लग जाता तो क्या होता हमारे घर में? महाभारत तो शुरू होती और ये महाभारत कहाँ तक जाती? विदेश में आपके पापा के पास। हिस्ट्री में तो सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात होती है, किसने किसको मारा और कब मारा। मैम आप मुझसे कभी ये नहीं पूछती कि देवी देवताओं का राज्य कब था और कहाँ था, जहाँ एक भाषा थी, एक राज्य था, एक धर्म था। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल कूद में नहीं, नहीं तो पापा को। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पापा को पता चल गया ना तो वो ये कहेंगे कि मैं आराध्या की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। छाछ थोड़े ना पीना है, मुझे तो मक्खन खाना है। छाछ तो तुम नहीं पियो चाचू। अब ब्रह्मा के अंदर जिस परमात्मा ने प्रवेश किया वही है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और जिस ब्रह्मा ने परमात्मा को अपना तन यूज करने दिया वो हो गया लैंड लॉर्ड। और तुम कौन से परमात्मा की बात कर रही हो भाभी, जो जो किसी को दिखाई नहीं देता। ये शास्त्रों का ज्ञान भाभी युगो युगो से चला आ रहा है। क्या नाप चुनाव बोलते रहते हो चाचू। और ये बार बार आप ये जो आलाप करती रहती है ना कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, कृपया करके बाहर जाके ये टिप्पणी मत करिएगा, नहीं तो आपको, हमको, हमारे परिवार को इस दुनिया से हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है आपके बारे में? मैंने आपको शास्त्र का कौन सा ज्ञान देने भेजा था और आप कौन सा ज्ञान पढ़ा रही हैं? ज्यादा बात बिगड़ गई तो मैं भी विदेश चला जाऊंगा। ये गीता का फैमिली प्लानिंग से क्या लेने देना भाभी? और वैसे भी सनातन धर्म का प्रचार आप करें या भैया, बात तो एक ही है, घर में बैठे बैठे आप बोर ही हो रही थी, सही वक्त पे कला काम आ गई। थैंक यू बाबा। अब दीदी अंधा क्या मांगे, दो आंखें। भैया सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि भाभी को आगे बढ़ा। लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी। जब तक ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे पास है तब तक तुम इसकी बात मानो जैसा आप ठीक समझे भाभी जी। अरे पंडित जी, लक्ष्मी तो आ रही है ना, तो आने दीजिए लक्ष्मी को। माँ बेटी की पहली गुरु होती है तो आप हुई पहली गुरु, तो आपको तो सुनना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, उनसे किसी का पाप और पुण्य छुप नहीं सकता। उसी के अनुसार किसी को स्वर्ग तो किसी को नरक मिलता है।